हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त नीरज द रेक्टिफायर, और मैं आप लोगों के लिए आज एक बहुत अच्छी न्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें आपको बॉडी बिल्डिंग की इंडस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूं। आज का मेरा वीडियो बनाने का जो मोटो है वो यही है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आजकल के लोगों को बॉडी बनानी है, न्यू जनरेशन को बॉडी बनानी है, सबको बॉडी के ऊपर इम्प्रूवमेंट करनी है, सबको अपनी बॉडी दिखानी है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि बॉडी बिल्डिंग जो है उसका एक बहुत ही सेफ रास्ता आपको निकालना है अपने कैरियर के लिए, अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए, अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और बच्चे अगर अपनी बॉडी का और अपने पेरेंट्स के पैसों का नजायज़ फ़ायदा उठाएँ तो वो चीज़ ठीक नहीं है पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए भी। तो बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप बॉडी बिल्डिंग करें या जब भी आप अपनी बॉडी में कुछ रिजल्ट चाहते हो तो अपनी सेफ साइड लेके चलो। आप जैसे कि आजकल आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, सोशल नेटवर्किंग साइट पे देख रहे हो, आजकल नई नई जनरेशन बहुत अच्छी फिजिक लेके आ रही है, मगर उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अनसेफ होती हैं और अलग अलग तरीके होते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी प्रैप स्टार्ट कर दी है फाइनली। इस बार जो मेरा कंपटीशन है वो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। सो मिस्टर नीरज, आपने अभी जो लास्ट अपना कंपटीशन किया था, कैन यू प्लीज टेल अस कि अब आपने वो लास्ट कब खेला था और आपने बीच में कितना टाइम दिया अपनी बॉडी को वापस से मेंटेन करने के लिए? इससे पहले जब मैंने अभी प्रैप शुरू करी थी, लास्ट मेरी प्रैप जो थी अराउंड 6 मंथ की थी, उसमें मैंने नरेश सूर्य क्लासिक खेला था 2023 जनवरी में, जो कि हैदराबाद में हुआ था। वहाँ पर मेरी क्लासिक फिजिक में ब्रॉन्ज मेडल आया था और बॉडी बिल्डिंग में मेरा 4th प्लेस आई थी। तो बस मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एक ब्रेक लिया था मैंने, जो कि 6-7 मंथ का ब्रेक था, वो ब्रेक अब मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि मेरे को कौन सी गेम खेलनी है। सबसे पहले तो मैंने जो मेरे कोच हैं इमरान सर, उनको ज्वाइन किया है। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा है कि जो भी आपका कोच हो वो आपके आपको हमेशा अटेंटिवली देखे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे फेसेस ऐसे आते हैं जिसमें आपको आपके कोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरे को बहुत कभी कभी रेगुलर कभी कभी दिन में 4 बार कॉल करनी पड़ती है सर को। तो हमेशा जो आपका कोच हो वो ऐसा होना चाहिए जो आपका तुरंत रिप्लाई करे और आपकी बातों का जवाब दे और आपको सही गाइडेंस दे। और अभी तक मेरा कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि मैं कौन सी गेम खेलूँगा, बस हाँ मैं अभी प्रैप स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सर ने मुझे कहा कि। सो आई थिंक आपने कोच ही डिसाइड करने में काफ़ी टाइम लगा दिया इस बार, आपकी बात से तो मुझे यही लग रहा है। कोच डिसाइड करने में टाइम इसलिए लगा है क्योंकि मेरे को बेस्ट कोच चाहिए और इमरान सर बेस्ट कोच हैं मेरे लिए। और जब मेरा रिजल्ट आएगा और जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपने परफॉर्मेंस, तो आप सब भी कहोगे कि हाँ इमरान सर बेस्ट हैं। तो आपने अपने लास्ट पास कुछ एक्सपीरियंस से आपको फील हुआ कि कोच का एक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? कोच का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैक स्टेज पूरी प्रैप में, हर वक्त कोच का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आजकल के कोच बहुत प्रोफेशनल हो गए, उन्हें पैसों से मतलब है, अपने पैसे ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं, उतना ही काम कर रहे हैं, आप पूछोगे 2-3 दिन बाद रिप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक नॉर्मली एक हर बॉडी बिल्डर फेस कर रहा है जो कि कोच हायर कर रहे हैं, और सेल्फ बॉडी बिल्डिंग करना थोड़ा सा सेफ नहीं है। तो मैं यहाँ पे सारे एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ हूँ, खुद भी करा है मैंने, कोचेस भी हायर किए हैं। अभी जो मेरे पास हैं वो इमरान सर हैं। इमरान सर मेरी नज़र में, मैंने अभी तक इनसे अच्छा इंसान कोई नहीं देखा, भले ही वो प्रैप कोच के रूप में हो या अच्छे इंसान के रूप में हो या अच्छे भाई के रूप में हो। ही इज़ द बेस्ट मैन फॉर मी, और जो उनकी उम्मीदें हैं मेरे से, मैं इस बार बिल्कुल भी उन्हें ऐसा नहीं फील होने दूंगा कि सर आपने गलत बंदे पे बेट लगाई। मैं उनका नाम रोशन करूंगा और मैं इतनी कैपेबिलिटी रखता भी हूं ऊपर वाले की आशीर्वाद से। तो बस अब मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि कभी भी आपको डिसाइड करना हो गेम के बारे में, तो आप प्रॉपर मन बनाइए, गेम को देखिए, अपने कॉम्पिटिटर्स देखिए, आजकल क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है उसको देखते हुए अपनी बॉडी पर वर्क करो। ऐसा नहीं कि कोई भी मार्केट में नया सामान आया और आपने अपने बॉडी को उसे इंट्रोड्यूस कर लिया, ये चीज़ नहीं करनी है। तो अभी बस प्रैप स्टार्ट की है, ये मेरा day 1 है, ये फिजिक आपके सामने है, और करंट बॉडी वेट अराउंड 90 kg है। और क्या आप अपनी टी शर्ट उतार के दिखा सकते हैं कि आप, सो दैट हम देख सकें फर्दर आपकी बॉडी में कैसे कैसे चेंजेस आते रहेंगे? और आपने जैसे बोला है day 1 से आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, हर डे का
इस प्रेप कोच को आप सभी इंजॉय कर सकते हो. द रीजन इज क्योंकि हर एक दिन का वर्कआउट नीरज डालने वाला है, और चाहे वो आपका अभी मैं इतना अच्छा भी हो, अभी मैं इतना अच्छा शेप में नहीं हूँ, मगर ठीक है, मैं आप लोगों को उतार के दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सारी फेसेस हर बंदे के साथ आती है, हर बंदे के साथ आती है, तो उसमें कोई डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं है. ये मोटिवेशन है, उतारूंगा मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ही उतारूंगा. तो गाइस मैं दिखाता हूँ आपको, बाइसेप्स का साइज दिखाई, सो दैट पता चलेगा कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं बॉडी में, और देखने वालों को भी पता चलेगा कि कितना टाइम लगता है एक बॉडी को, नॉर्मल बॉडी को खूबसूरती में बदलने के लिए, जिससे कि एब्स आते हैं. सो गाइस अभी ये फैट है बॉडी में, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, मैं आप सबको अपडेट करता रहूँगा कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. आप सब मुझे कमेंट्स करके बताना, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, मेरे सर के लिए, तो इसलिए मैं पब्लिकली इसको दिखाना चाह रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरी जर्नी जो प्रैप की जर्नी है और हर फिटनेस फ्रीक की जर्नी है, उससे कंपेयर करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बंदा जो बॉडी बिल्डिंग करता है वो क्या क्या चीज़ें फेसेस करता है, कितनी मेहनत करता है, डाइट करता है, जॉब करता है, इन सब में टाइम निकालना अपने ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि एक जब प्रैप होती है तो कम से कम 45 मिनट्स या एक घंटे की ट्रेनिंग नहीं होती है, वो दो ढाई घंटे तो प्रॉपर चाहिए ही चाहिए, प्लस कार्डियो जैसे कि आजकल लोगों को करना पड़ रहा है. कार्डियो हमेशा आप लोगों को अपने वर्कआउट में ऐड करना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी श्रेडिंग के लिए, आपकी कार्डियोवैस्कुलर चीज़ों के लिए. एज अ वाइफ मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि एक बार मैं चाहूँगी कि आपके जैसे सब्सक्राइबर इतने नहीं हैं, आज आपकी डेट मैं हम जैसे जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं इस डेट पे हमारे आपके मेरे ख्याल से 300 समथिंग कितने हैं, 68 हमारे सब्सक्राइबर हैं. तो मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी पब्लिक अगर धीरे धीरे एक 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 करके हमारे व्यूअर आएगा, वॉच करेगा, और हर एक बंदे को इस जर्नी की हर एक चीज़ के बारे में पता चले, तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि आपकी पूरा डे शेड्यूल आप एक बार बताएं, सो दैट आपका जो लाइफ सफरेंस है वो सब तक पहुँचे कि हाँ कितना मतलब मेहनत लगती है हर एक चीज़ में. प्रोफेशन सारे ही बहुत सब इम्पॉर्टेंट होते हैं, सब में मेहनत लगती है, हार्ड वर्किंग होता है, और बहुत मेहनत से हर कोई अपना घर चलाता है. तो इसमें हम सबको अगर हम अपना मतलब लाइक बताना चाहते हैं किस तरीके से कैसे और आपकी लाइफ की जर्नी है, मैं चाहती हूँ कि पर्सनली कि मेरे पति की लाइफ हर एक को पता चले कि हमने क्या क्या स्ट्रगल करा है, और लाइक अब हम क्या चाहते हैं, हमारी पब्लिक हमारे को सपोर्ट करे. तो मैं मतलब इसलिए बोलना चाहूँगी कि आप अपना पूरा डे शेड्यूल ज़रूर बताओ. तो गाइस मैं आप लोगों को अपना डे शेड्यूल मोटा मोटा बता देता हूँ कि पूरे दिन में मैं क्या प्रोसेस करता हूँ, क्या मेरा काम रहता है, क्या क्या चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ, मगर डीपली मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियोस में बना के दिखाऊंगा. अभी मैं मोटा मोटा आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे मॉर्निंग में 5 बजे मैं उठता हूँ, उसके बाद 6 बजे मुझे जिम पहुँचना होता है अपने जहाँ पे मैं काम करता हूँ, और वहाँ पे पहुँच के मुझे फिर मेरी शिफ्ट होती है 6 से 2:30 बजे तक, तो मेरे को अपनी शिफ्ट पूरी अटेंड करनी पड़ती है. उस बीच में मेरे पास क्लाइंट्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती है, वो सारी मैं ट्रेनिंग्स कराता हूँ, अपने जिम में काम करता हूँ, उसके बाद मेरी शिफ्ट ओवर हो जाती है, फिर मैं गुड़गांव के लिए निकलता हूँ, वहाँ मेरी एक क्लास होती है, फिर मेरी इवनिंग में क्लास होती है, एक मेरी नाइट में क्लास होती है. तो अराउंड 10-11 बज जाता है मुझे वापस घर में आते आते, और मेरे पूरे दिन का जो ट्रैवल होता है वो अराउंड 150 किलोमीटर के आसपास होता है, दिल्ली से फरीदाबाद, फरीदाबाद से गुड़गांव, गुड़गांव से फिर फरीदाबाद, फिर दिल्ली, तो काफ़ी ट्रैवलिंग हो जाती है. और ये सारी चीज़ें जो होती है उसमें अपनी डाइट भी मैनेज करना, अपना वर्कआउट भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, फैमिली को भी टाइम देना होता है, बच्चा है मेरा एक 10 साल का, उसको भी मुझे टाइम देना है, उसके भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं उसको पूरा करना है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा है, तो उसके सारी चीज़ें मुझे देखते हुए बहुत मुश्किल से मैं मैनेज करता हूँ, मगर हाँ मैं मैनेज कर रहा हूँ. और जैसे पिछले मेरे शोज़ रहे हैं उसमें भी मैं अच्छी ट्रॉफी लेके आया हूँ अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने कोच के लिए, अपने सर के लिए, तो इस बार मैं और भी बेटर इम्प्रूव करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मेरे अंदर नई ऐड हुई है, और ये जर्नी मैं पूरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. और मील्स में मैं क्या लेता हूँ वो मैं आपको वीडियोस में बना के दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूँगा. तो कल हमारा डे 1 रहेगा,
आप बता सकते हो कल आप लाइक कौन सा डेल्ट का वर्कआउट है, शोल्डर्स का वर्कआउट है, तो मैं आपको एक उसकी वीडियो बना के पूरी प्रॉपर फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है सेकंड। बेसिकली ये सबके लिए है कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बॉडी बिल्डिंग के लाइन में इतना मतलब उनकी अर्निंग नहीं है, सपोज अगर उनका पेरेंट्स भी इतना नहीं सपोर्ट कर पाते, तो वो हम ये उनके लिए भी बना रहे हैं कि सबके पास पैसे और ज़रूरी नहीं है, तो ये हर एक डे के वर्कआउट देख के। गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। आप विद सप्लीमेंट वर्कआउट करो, विदाउट सप्लीमेंट वर्कआउट करो, आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। आपका मसल हमेशा इम्प्रूव होगा, मसल की मेमोरी बनेगी जो आपको आगे कहीं ना कहीं काम आएगी। आज आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है फाइनेंशियली, आगे जाके अच्छी, मेरी भी पहले अच्छी नहीं थी, अब मैं हाँ इतना मैनेज कर सकता हूँ कि अपनी डाइट, अपने फैमिली, अपने एक्सपेंसेस पूरा कर सकूँ। पहले मेरी भी अच्छी नहीं थी, मगर मैंने वर्कआउट तब भी मैं अच्छे से करता था, अपनी डाइट लेने की कोशिश करता था, तब मैं डाइट पे था, अब मैं काफ़ी एनहेंस चीज़ों पर हूँ। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लोगों के साथ आएंगी और आपको कोई फेस करनी पड़ेगी। कभी भी डीमोटिवेट मत होना और हमेशा फोकस अपना गोल, अपनी फिजिक पे ध्यान रखना और अच्छे से मेंटेन करना। और जल्दी मैं अपना वर्कआउट शूट करूँगा अपने सर के साथ भी, तो आप लोगों के साथ अपलोड करूँगा, आप देखना मेरे सर कौन है। और प्लस उनका वर्कआउट, जब भी मैं उनके पास वर्कआउट करने जाता हूँ मेरी हालत पूरी ख़राब हो जाती है, वॉमिट टाइप फीलिंग आती है, और ऐसा लगता है कि मतलब मैं अब चलने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्पेशली लेग्स करने जाता हूँ सर के पास। वैसे तो मैं रोज़ जाना चाहूँगा, मगर मेरे जॉब्स और ये सारा प्रोसेस इतना सारा रहता है, आना जाना, ट्रैवलिंग, तो मैं रेगुलर नहीं जा पाता। सैटरडे मेरा ऑफ होता है, उस दिन मैं सर के पास जाता हूँ, उस दिन मेरा हैमस्ट्रिंग डे होता है, तो मैं वो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं दुआ करूँगी कि मेरा पति जल्दी सक्सेसफुल हो इस लाइन में, और हमें खुशी नसीब हो कि हाँ अब आप फर्स्ट आओ, और आपकी ये वाली जर्नी सक्सेसफुल हो, और अच्छे इंसान के साथ अब आप हो, तो आपको सारी मेहनत का फल ज़रूर मिले। थैंक यू सो मच। और हमारी ये सारी वीडियोस देखने के बाद वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो मोटिवेट हों और वो भी अच्छे से वर्कआउट करें। ज़रूरी नहीं है कि फीस और ये सारी चीज़ें देखें। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, मैसेज में कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे नीरज इलेक्ट्रीफायर के नाम से फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे DM कर सकते हो ट्रेनिंग से रिलेटेड। सो गाइस उसका कोई चार्ज नहीं है, जैसे मैं अपनी मेहनत करके आगे बढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए मैं हमेशा हूँ, आप मेरे से हेल्प ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, आई एम ऑलवेज बी देयर फॉर यू। एंड मेरा इंस्टाग्राम ID है नीरज इलेक्ट्रीफायर, और सेम यूट्यूब पे भी मेरा नीरज इलेक्ट्रीफायर के नाम से है पेज। तो गाइस प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो। थैंक यू सो मच गाइस।